इधर धनबाद के निरसा में फ्रंटलाइन कंपनी के स्वास्थ्य कर्मी अपने बकाया वेतन के लिए जूझ रहे हैं। इस स्वास्थ्य कर्मियों को 5 माह के बकाया वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इनका कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना आम जनों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराते हैं, लेकिन जानबूझकर इनका वेतन रोक दिया गया। अब वे फ्रंटलाइन मैनेजर के घर का घेराव करने की योजना बना रहे हैं। सर, बात है, विगत हम लोग 2020 से फ्रंटलाइन के द्वारा स्वास्थ्यकर्मी के रूप में कार्य पर लगे हुए थे। जब कोविड आया हुआ था, सबको मालूम है, हम लोग बहुत कष्ट से उसमें काम किए थे। जब सब आदमी भाग रहा था अपने बचाव के लिए, उस समय हम लोग महामारी में काम किए, और काम करने के बाद आज 2 साल हो गया और तीसरा लहर भी खत्म हो गया। अभी बकाया हम लोग का 5 महीना का बकाया है। अभी दयनीय अवस्थिति हो गया हम लोग का, अभी तक नहीं मिला है। 5 महीना उधर बकाया बाकी, ऊपर से और 3 महीना हम लोग रेस्ट पे बोल रहे हैं कि मैंने हम लोग कम से भी हटा दिया है और बकाया भुगतान भी नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि फंड नहीं है। जिसके कारण जो है आज हम लोग जो है सभी साथी आए हुए निरसा से, और श्री उमेश गोस्वामी जी के यहाँ पर आए, NCP के नेता है, उनके पास आए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा निदान हम लोग का कर दे और किस तरह से हम लोग का बकाया भुगतान मिलेगा। अभी रोजगार भी है हम लोग का, 5 महीना सर बकाया अभी है, और प्रोत्साहन राशि भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया था, वो तो अभी पता ही नहीं किसके पास है। किसके अंडर में काम कर रहे थे आप लोग? हम लोग जो है ऐसे तो हम लोग को फ्रंट लाइन द्वारा रखा गया था, उसका मैनेजर सुजीत शर्मा है, और फिलहाल हम लोग चाहते भी है कि अगला शुक्रवार को 10 तारीख हो रहा, 10 तारीख को हम लोग जो है उनका घर में घेराव करेंगे कि हम लोग का बकाया भुगतान जो